अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, महिला वो देवी है जो घर को भी स्वर्ग बनाती है। बात करें महिलाओं की, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो ये दिवस है वो महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी दिलाने और उनको उनके हक के बारे में जागरूकता दिलाने के लिए मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर महिलाओं की जो स्थिति है उसको और भी अधिक उजागर किया है। महिलाओं के जैसे कि सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई और लता मंगेशकर जी, इन्होंने अपनी एक नई छवि का जो है वो रूप लिया है, पूरे समाज में अपनी एक नई छवि बनाई है। तो ऐसे ही कुछ छात्राओं से मिलते हैं, जानते हैं कि उनकी महिलाओं की जो स्थिति है उनको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो उम्मीद रखती हैं कि आगे की जो समाज में जो स्थिति है महिलाओं की वो कैसी हो। हेलो, हाय, आपका नाम? शिवानी। शिवानी, तो आप क्या सोचती हैं कि जो आने वाला समय है उसमें महिलाओं की क्या कैसी स्थिति हो? आने वाले समय में जैसी आज की स्थिति है उससे अच्छी ही हो, क्योंकि आज के टाइम में प्रोडक्शन स्किल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आज कुछ दिनों पहले हमने नोटिस किया था बिहार यूपी की में जो हुआ है गर्ल्स के साथ, तो ऐसी स्थिति ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गर्ल्स को और ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है। तो जैसे कि अभी आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन मतलब किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को समाज में जीने के लिए? अभी जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो उसमें भी लड़कियों को काफ़ी दिक्कत होती है, भाई नहीं जा पाते, पेरेंट्स भी नहीं भेजते, तो निकलती ही नहीं है घर से, उन्हें निकलने नहीं देते। बहुत सी लड़कियाँ आज पढ़ भी नहीं रही, पढ़ भी नहीं पा रही, बहुत सी दिक्कत होती है उन्हें पढ़ाई। अभी भी पेरेंट्स के मन में ये डर रहता है अपनी बेटी को वो अकेला बाहर नहीं भेज सकते, तो ये मानसिकता जो है हमारे पेरेंट्स की इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए आगे आने वाले टाइम में। तो यही सबसे बड़ी जीत होगी इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाने का, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो गर्ल्स के प्रति अभी भी हमारे पेरेंट्स को ये रहता है कि नहीं अकेले बाहर नहीं जा सकते, तो ये जो मानसिकता है ये आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाए, तो यही फिंगर्स क्रॉस फॉर दिस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो छात्राएं हैं वो अभी भी घर से बाहर और जो युवती हैं घर से बाहर निकलने के लिए कतराती हैं। तो देखते हैं कि क्या अब जो आज से जो महिला दिवस के लिए जो संसद में जो महिलाओं को बागडोर सौंपी गई है, क्या इसके चलते जो महिलाएँ हैं उनकी स्थिति में कोई सुधार आता है या नहीं। इसी के साथ कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं अंजलि, ACP नेटवर्क, पानीपत।